सर वेलकम बैक। माय यूट्यूब चैनल उमेश पांडे ब्लॉग्स में फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों आपका। और मैं ठीक हूँ, आई होप आप लोग भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, कहीं ना कहीं काम पर व्यस्त होंगे। और मैं भी आज जंगल में व्यस्त हूँ आज यहाँ पर। एक्चुअली हम जब 7 साल से आए थे तो उसके बाद हमने यहाँ पर खाना बनाने का डिसाइड किया था, तो खाना हमने बनाया यहाँ पर। तो यहाँ पर दाल बन रही समय और सब्जी काट के 4 बजे की सब्जी बन चुकी है, बस चावल रखना है, उसके बाद खाना है, उसके बाद यहाँ से हमने फटाफट निकलना है। तो आप देख रहे हैं कैसे फर्स्ट एरिया है, यहाँ पे अलाव भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर खाना बना दिया। और रहेंगे तो हम यहाँ पर नहीं, लेकिन खाना खा के अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ से हम निकल जाएंगे। साथ में बगल में यहाँ पर है एक झील और है, उसको बोलते हैं गरुड़ झील। तो गरुड़ झील भी आपको सामने दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर के बाद। ये सबसे पहले होता है कि गैस को जो सिलेंडर है ये ना, इसको सही बैलेंस में बन जाए। अच्छा, नहीं तो आग लगने का डर होता है, क्योंकि यह है बुटन गैस और जरा सी भी टेढ़ा होगा ना तो गैस यहाँ से लीक करेगी, आग पकड़ेगा, विस्फोट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इसकी जांच करें इसको लगाने से पहले कि कहीं आपका बटन गैस लीक तो नहीं कर रहा। अच्छा, समझ गए ना बात को? ठीक है, तो ये बैलेंस बन गया, अब हम इसमें कुकर आराम से रख सकते हैं। और ये साइड में आपने, साइड में हमने ये लगा दिया, ये वॉल लगा दी, इसमें हवा ना चले। सब्जी के तड़के के लिए कट रहा प्याज, और अभी काटेंगे प्याज कट जाएगा, उसके बाद खीरा काटेंगे। एक चाकू वहाँ पड़ा हुआ है, पर यहाँ से वहाँ उठने में जाने में बहुत, क्योंकि बैठ रखे ना थक भी गए, आज ड्राइव भी बहुत हो गई है, हम आज खुशी लेके नहीं आए ना चक्कर। तो ये वाली बात, हमारे पास चेयर वो वाली बैग में, इस बैग में तो ये मैं खींच लेता वो वाले बैग में। अभी लग रहा है दाल में तड़का, तो इसमें डाल दिया मैंने दाल में तड़का। क्या डाला हमने इसमें? लहसुन डाल दिया, प्याज कटा हुआ है, टमाटर काटो फटाफट, एक और एक टमाटर काट दो फिर। तो देखो प्याज डाल दिया फटाफट, एक गलती कर दी हमने यार गाइस, तो जल्दीबाजी ना, भूख भी लग रही है बहुत, तो जल्दबाजी भी हो रही है क्योंकि 2 बुटन हमारे पास है अभी, वो भी दूसरे भी काम आएगा, क्योंकि दाल उबल आ गई थी वो भीग गया, इस वजह से उसका वो लाइटर काम नहीं कर रहा है, तो अभी ये हो जाएगा। और भाई साहब काट रहे हैं मिर्च, हरी मिर्च दना दन काटने में नंबर 1 कुक है यार, हमारे बलवंत भाई जो है कुक है। तो ये था, और आज हो रहा है जंगल में मंगल, मज़ा आ गया भाई साहब तो एंजॉय कर रहे हैं। तो ये बहुत यार, एक अपने हाथ से खाना बनाने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास। उसे खाना तो अगर हम चाहते तो हम होटल में खा सकते थे, लेकिन अपने हाथ का बनाया हुआ एक एंजॉय करना फॉरेस्ट के बीच में, तो वो भी एक अलग सी बात है। और आपको दिखाना, आपको दिखाना सेल्फ मेड कुकिंग का कितने मजे हैं, क्योंकि कई लोगों का कॉमेंट आया था यार मैगी बना के खाते, तो आज हम दाल चावल बना के खा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे 100 में से 5 बार ही मैगी बनाएं, वो भी उस टाइम बनाएंगे जिस टाइम हमें बहुत अर्जेंसी होगी, टाइम की बहुत कमी होगी। बिल्कुल, तो भाई सब्जी में जो है ना मसाले डाल दिया, दाल में तड़का लगा दिया, फसला हरा मिर्च टमाटर धनिया पुदीना सब डाल दिया इसमें, और बाकी सब्जी बनाएंगे, तैयारी चल रही है, और टमाटर फिर दोबारा सब्जी के लिए, और बस दाल उबाल के तैयार रखी है, उसके बाद फिर हम सीधा चावल डालेंगे। हमारी सब्जी भी बनेगी, फिर चावल भी बनेंगे, सैलेड भी कटेगा, ब्यूटन दोनों कैंपिंग स्टोव लगा लिए क्योंकि टाइम हो रहा है ज़्यादा, अभी बजने देखो 3:20 3:25 हो गए, 3:20 हो गए, तो जल्दी भाई तभी बनेगा क्योंकि भूख भी लग रही है। और उसके बाद जब खुद कुकिंग करते हैं ना भाई, तो खाना अगर बन रहा होता है तो भूख और तेज लग जाती है, और तेज जाती है, तो वो बननी है हमारी दाल, यहाँ बनेगी हमारी सब्जी आलू शिमला मिर्च। तो सब्जी देख रहे हो कलर आ गया इसमें, क्योंकि भाई ने डाल दिए सारे मसाले, और भाई जो मज़ा आने वाला है सब्जी को खा के। अरे भाई खाना बस फिनिश हो रहा है बनने के लिए, बस हमें चावल बनाने हैं, बाकी चीज़ बन गई है। और लोकेशन ये है, धूप कहीं छाया, क्योंकि पेड़ के नीचे आ जाते हैं भाई, वैसे धूप तो तेज़ हो रही है, पेड़ के नीचे अच्छा लग रहा है। और वहाँ आपको कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही होगी, वो बन रहा है खाना, पांडे जी बना रहे हैं, और इसके बाद आपको ये खाना वाना हो जाएगा, बर्तन धुल जाएंगे, पैक करेंगे सामान, और आपको दिखाएंगे व्यू पूरा गरुड़ताल का। खुद की कैंपिंग में ना पेशेंस बहुत चाहिए होता है, क्योंकि भूख जब लगती है ना तो भाई बहुत दिमाग ख़राब होता है, लेकिन जब बन के तैयार होता है ना दिल को बहुत सुकून होता है। तो ऐसे ही चावल भी बन चुके हैं, बन चुके हैं, और हमने काट लिया था, तो खाना हमारा सब कुछ रेडी हो गया, खाना सब्जी गप गप
रख दिया है दोनों की प्लेट में। गपा गप और ये होगा पानी, देख रहे हो, दाल चावल और रोटी नहीं है दी हमने, रोटी नहीं है रोटी नहीं है, अरे भाई तुम भी यार रोटी भी बनवा दो अभी तो जी शुरू करते हैं खाना। दाल मस्त करी है, सब्जी भी पक गई भाई, ओए मजे ही मजे। एक बार और ले लिया, इधर देखो पूरा खाना भाई, क्या फ्लेवर देखो यार, भाई क्या मजा आ गया कसम से उमेश भाई, थैंक यू भाई, क्या मस्त खाना बनाया भाई, मजा आ गया ना, मजा आ गया, फिनिश हो गया, देख रहे हो इससे पता चलता है तो खाना कितना मस्त बना है, देखो अगर बचा है तो मतलब खराब बना है, अगर कुछ भी नहीं बचा समझ कितना मस्त बना है। तो एक चीज है ना, खाना ज्यादा हुआ ना कम हुआ, सबसे बढ़िया होता है कि बिल्कुल बैलेंस होना है, मजा आ गया। अब थोड़ा इसको धोते हैं, जो यहाँ पर कूड़ा कचरा है उसे फेंकते हैं, फिर निकलेंगे। तो यहाँ से हमने सारा सामान अनपैक कर दिया, यहाँ से हमने सारा सामान पैक कर दिया, और जो हमने थोड़ा सा हमने सारा लगभग तो गार्बेज बैग के अंदर ही डाला था, लेकिन थोड़ा सा जो कूड़ा हो जाता है बाहर हो जाता है, तो हम इस भाई करें इसकी सफाई। इसके ऐसा है ना, आप जहाँ पर भी जाते हैं हमेशा याद रखिए कि अपने ऊपर अग्रसर नहीं होना चाहिए, और अगर हम यहाँ पर हमने कैंपिंग करी है अभी थोड़ा बहुत यहाँ पर खाना बनाया, तो जितना भी जूठन है और जितना भी प्लास्टिक वगैरह वगैरह है इनको सबको हमने पैक कर दिया, कहीं डस्टबिन में हम इसको डाल देंगे उसमें, और बाकी जो ये खाना बचा है यहाँ पर ये रात को कोई भी यहाँ पर जो जानवर आएगा उसके लिए छोटा सा हमने खीरा वगैरह वगैरह, और बाकी जो कूड़ा है ना वो सारा हमने उठा लिया, पैक रख दिया, कहीं पर डस्टबिन में उसको डाल देंगे। तो गाइज हमने यहाँ से पूरा खाना ना बना के और ना खा के तैयार हो गए हैं, बर्तन भी साफ़ कर दिया, सारा सामान पैक कर दिया, जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा नील क्लीन कर दिया, सारा सामान जितना जूठन था प्लास्टिक वगैरह वगैरह जो कूड़ा था वो हमने गार्बेज बैग में डाल दिया वहाँ पे, और उसको हम अभी हम डालेंगे कूड़े दान में। तो ये था नज़ारा यहाँ का, तो चलते हैं यहाँ से गरुड़ ताल आपको दिखाते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि समय के 4 बज चुके हैं, अब यहाँ से निकलने का समय भी आ गया, तो आगे चलते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं आपको दिखाते रहेंगे। तो निकल तो ये है जी, थोड़ा सा आगे आए तो हमको मिल गया गरुड़ ताल, तो इसको बोलते हैं गरुड़ ताल। तो सभी लोग किनारे पर नहा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि बीच में काफ़ी गहरा है, तो गया हुआ है क्या भैया, कोई पता नहीं कौन है वहाँ पर यार, और बाकी लोग यहाँ पर सब नहा रहे हैं, गर्मी भी हो रही है यहाँ पर दिन में, इसलिए यहाँ पर सब नहा रहे हैं। वहाँ पर देखो एक अंदर गरुड़ ताल का जो कि मैंने आपको दिखाया, तो आ चुका हूँ सड़क पर, गरुड़ ताल दिखाया आपको, खाना बनाया, ये करा वो करा, अब देखते हैं कहाँ जाते हैं वहाँ, फिर आपको क्या क्या दिखाते हैं। तो निकलते हैं, और बलवन जी हो गए तैयार, बाइक में हमने सामान लगा दिया, बस अब यहाँ से अब निकलना है, अब देखते हैं कहाँ को जाते हैं। वैसे बोलते हैं कि एक वाटरफॉल पीछे रह गया, लेकिन पीछे रह गया काफ़ी, वो तो वहाँ नहीं जा रहे, अब सीधा आगे जा रहे हैं नैनीताल। अपने डेस्टिनेशन पे तो जी 7 साल से हम आ चुके थे यहाँ, और कमरे पे थोड़ा सा मुँह हाथ धोया, फ्रेश हुआ, उसके बाद अब फ्रेश होने के बाद अब निकल रहे हैं सीधा हम नैनीताल की ओर, क्योंकि नैनीताल जो रात के समय जो घूमने का मौका है ना वो बहुत बढ़िया है। देखो ये संस्कार क्या कर रहे हैं भाई, संस्कार किसको घुमा रहा है, ये मेरे दोस्त का छोटा भाई, दोस्त का छोटा भाई है, अच्छा अच्छा अच्छा, मम्मी पापा अभी आए नहीं, उनको बोल देना हम अभी आए थे नीचे ही रह गए, ठीक है फिर आते हैं अभी। तो ये था गाइस, और अभी हम जाते हैं नीचे को, और इस वीडियो को करते हैं ही समाप्त, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और अब इसके बाद जो आने वाली वीडियो ना वो बहुत फैंटास्टिक है, जैसा कि देख रहे नीचे, वाह। तो अब यहीं जा रहे हैं, और रात का सीन पूरा आप यहाँ तक देखेंगे आज, और फिर आपको दिखाएंगे। तो इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।